द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एफर्ट, लोग कितने लगाने हैं, कितनी मेहनत लगेगी। एफर्ट का मतलब यही है कि कितने पर्सन मंथ में निकाला जाता है, एक आदमी एक मंथ में कितना काम करता है, यही एफर्ट है। कितनी मेहनत लगने वाली है, कितने लोगों को लगाना है, कितना वो काम कर पाएंगे। तो एक बड़ा मिथक है, बहुत ही कॉमन मिथक है कि भाई अगर गड्ढा खोदना है और ये चार आदमी चार दिन में कर सकते हैं, तो आदमी इसमें आप आठ आदमी लगा दो, है ना, डबल लगा दो तो ये आधा हो जाएगा, दो दिन में हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? अगर मैथमेटिक्स में भी देखें तो इस तरीके का नहीं होता। मेनली ये होता है कि अगर प्रोग्राम मैनेजर या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है कि शेड्यूल में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो मेन ये रहता है कि ऐसा करेंगे यार, और मैनेजर्स लगा और प्रोग्रामर्स लगा देंगे और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यह सही नहीं है। जब आप नए बंदों को लेके आएंगे तो उनको सिखाएगा कौन? ये सिखाएंगे, यानी प्रोजेक्ट जो आपका शेड्यूल है वो ज्यादा स्लिप कर जाएगा, क्योंकि ये जो सिखा रहे हैं इनको नया सीखना पड़ेगा, ये लोग सीखेंगे। अब इनको सिखाने में कौन काम करेगा? वो यही काम करेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये काम करना छोड़ के सिखाने में लग जाएंगे और इनको सीखने में टाइम लगेगा, तो अपने आप टाइम तो लग ही गया ना। अब इतने सारे लोग हैं, ये आपस इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे, वो किसी और से बात करेंगे, वो स्टोर से बात करेंगे, ये एचआर से बात करेंगे, तो बातचीत इतनी हो जाएगी, कम्युनिकेशन पाथ इतना हो जाएगा, बातचीत या की कम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा आप लोग लगा देंगे तो वहां पर ये तो सफर करेगा ही करेगा। देखिए, अगर आप पुराने एम्पिरिकल डेटा पे जाएं, एम्पिरिकल डेटा मतलब जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स आए हैं, जितनी भी थ्योरेटिकल एनालिसिस हुई है, विवेचना हुई है, इसने बताया है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है वो इलास्टिक होता है, रिजिड नहीं होता है कि इसके बीच में करना ही करना है, कोई और जरिया नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट डेट को या शेड्यूल को थोड़ा कंप्रेस कर सकें, ऐसा है ना, इसको हम ऐसा कर दें, कंप्रेस कर सकते रिसोर्सेज लगा के, हो सकता है, जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी हम नहीं कर पाए लेकिन एंड में हम ज्यादा लोग लगा देंगे, तब नहीं होगा। इसको पूरा खींचना पड़ेगा आपको या पूरा दबाना पड़ेगा, शुरुआत से अंत तक, समझ गए आप, अंत में नहीं जाके लोगों को लगा के या रिसोर्सेस लगा के हो पाएगा। आप कंप्लीशन डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी आप जैसे ये है ना, इसको यहां से खींच दीजिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये इधर पे आ जाएगा, या इसको दबा दीजिए ये ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसका एक समय होता है, टाइम होता है, अंत में नहीं होगा। ये जो रिलेशनशिप है पीपल और एफर्ट, आदमी और आदमी कितना काम कर रहे हैं, इसमें एक ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है पुतनाम, नॉर्डन और रेले, पीएनआर कर्व है, ध्यान रखिएगा, पीएनआर कर्व है ये, है ना। ये आपको बताता है जो एफर्ट लगेगा उसी तरीके से, जितना एफर्ट लगेगा मतलब जितने लोग लगेंगे उनको आप जितनी सैलरी देंगे, जितना सामान लगेगा उतना पैसा खर्च करेंगे, एफर्ट और कॉस्ट एक ही बात हो गई। यहां पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट टाइम की, है ना। ये तो पीएनआर कर्व किसके बीच में होता है? एफर्ट और टाइम के बीच में। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है ये बता रहा है कि ये आपकी जो टी जीरो है ये मिनिमम वैल्यू है, ये बताता है कि इस समय आपकी जो कॉस्ट होगी वो सबसे कम लगेगी। देखिए ये जो कॉस्ट है वो यहां है, इससे कम कॉस्ट नहीं लगेगी, मतलब कम मेहनत करके कम आदमी लगा के बेहतरीन तरीके से आप डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोशिश करेंगे इधर आने की, इसका मतलब ये जो टाइम है, अब आप टाइम रिड्यूस, ये टी मान लीजिए ये टाइम कम कर रहे हैं ना, आप इस तरफ जा रहे हैं, तो इस मतलब एक्स एक्सिस में लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब टाइम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिलीवरी फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम समय में डिलीवर करना चाहते हैं। यहां पर ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर हो गया है, ठीक है जी। यहां आप देख रहे हैं स्ट्रेट है, यहां नॉन लीनियर हो गया है। जैसे आप देख लीजिए कि आपको आप ये टीडी पे आ गए, मतलब आपने अपना टाइम कम करने की कोशिश की, तो आपका एफर्ट कितना आया? ईडी, है ना। आपने क्या किया कि इस टाइम के लिए, टाइम जैसे कम किया तो उसके लिए एफर्ट ईडी लगने वाला है। आपने कहा कि हम ये शेड्यूल कम कर रहे हैं और रिसोर्सेज इतने लगा देंगे, है ना। आप कम कर सकते हैं समय को, जल्दी आप डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना कर्व कहां बढ़ गया, एफर्ट कितना जल्दी बढ़ गया, यहां से यहां तक कितना बढ़ गया एफर्ट, है ना। तो पीएनआर कर्व आपको बताता है कि जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम है इसको आप इससे कम नहीं जा सकते।
अगर आप इससे कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 0.75 जो भी आपका डिलीवरी टाइम है, जो भी T0 है, तो जो इस TD है इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको TD कर रहा हूं, इससे कम नहीं जा सकते। यानी अगर यहां तक आप गए 0.75 TD तक, इसके अंदर नहीं जा सकते, यहां तक पहुंच सकते हैं। कारण क्या है उसका, कि ये जो अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये इसके कहते हैं इम्पॉसिबल रीजन, यहां पर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस जगह तो जाना ही नहीं, जा ही नहीं सकते आप। ये कर्व एक और चीज बता रहा है, टीडी आप कहां पर आ गए, ये T0 पूरा है, ये TD बीच में है, इसका मतलब T0 कितना हुआ, 2 TD के बराबर है ना। तो ये और भी बताता है कि लोएस्ट कॉस्ट डिलीवरी ऑप्शन आपके पास इतना है, T0 ये 2 TD के बराबर है। इंप्लीकेशन क्या है इसका, कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी को जितना एक्सटेंड करेंगे उतना आपका कॉस्ट कम लगेगा, उतना पैसा कम लगेगा। मैं आपको यहां पर बताऊंगा एक और चीज, देखिए ये 4 जो मैंने रीजन बताए उसमें क्या क्या है। ये रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये तो इम्पॉसिबल जोन है, यहां पर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। यहां पर आपने क्या है, ज्यादा लोग भर दिए, इनएफिशिएंट हो गया। ये रीजन जो है इसको लीनियर रीजन कहते हैं, यहां पर लोग भी उतने हैं, जितना एफिशिएंट स्टाफिंग है, अच्छा काम हो रहा है, ये बेहतरीन जगह है। यहां पर आपने क्या किया, लोगों को कम कर दिया, अंडर स्टाफिंग कर दी, तो जब लोग कम हो जाएंगे तो इनएफिशिएंट हो जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर इक्वेशन है, आपको याद होगा एक सॉफ्टवेयर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी जब हम एस्टीमेशन देख रहे थे, प्रोजेक्ट एस्टीमेशन, तो यहां पर एक निकल के आई थी आपकी सॉफ्टवेयर इक्वेशन, ये इसी PNR कर्व से निकल के आई है, और ये जो है एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप बताता है टाइम और ह्यूमन एफर्ट में। अब आप देखें इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपको जो बताया था एफर्ट था, ये लाइन ऑफ कोड था, बी इसमें स्पेशल स्किल फैक्टर था, पी इसमें प्रोडक्टिविटी फैक्टर था, टाइम इसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था मंथ या ईयर में। अब अगर इसी को हम देखें तो एल बराबर हो गया पी इंटू ई की पावर 1/3 टी की पावर 4/3। यानी अगर ये एल है आपका जो डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड है, DSI भी कह सकते हैं इसको, एल आपका जो है वो आपका लाइन ऑफ कोड है, तो एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम कैसे रिलेटेड है, वो इस तरीके से रिलेटेड है, यहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें जो है जो ई देख रहे हैं एफर्ट, यानी पर्सन मंथ में आता है, एक आदमी एक महीने में कितना काम करता है। पी इसमें जो आप देख रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी पैरामीटर है, जो आपको बताएगा कि बहुत सारे फैक्टर इसमें लगते हैं, कि एक नंबर होता है कि किस तरीके का काम है, ये आपका 2000 थोड़ा हल्का प्रोजेक्ट है, 12000 बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहां तक हम लगाते हैं। टी आपका कैलेंडर मंथ में टाइम है, इसका मंथ में आता है, इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर देंगे ना, थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन इक्वेशन बन जाती है ये वाली, प्लीज सिंपलेस्ट इक्वेशन है, लिख देता हूं इसको ई बराबर, क्योंकि इसको यूज करेंगे हम, L³ P³ T⁴। बड़ी आसान हो गई है। ई जो है इसमें वो वही है पर्सन मंथ एफर्ट, कितना कॉस्ट लगेगा, एफर्ट कॉस्ट की बात बारे में ही बात हो रही है, पूरे लाइफ साइकिल के लिए एफर्ट कितना लगेगा। टाइम जो है इसमें हम ईयर्स में लेंगे, ध्यान रहेगा आपको, साल में लेंगे इसको। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें जैसे आपने बता दिया कि एक आदमी के लिए इतना डॉलर पेमेंट करना है, तो कितना पैसा लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। इसके हम एग्जांपल ऑलरेडी हमने पिछले डिस्कशन में कर लिया है, यहां जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। पहली चीज इस इक्वेशन को ध्यान में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स रियल टाइम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसका लाइन ऑफ कोड 33,000 है, 12% ईयर एफर्ट है इसका, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि ये कैसे आया है, एफर्ट जो है आपका 12 बराबर एल कितना है 33,000 ऐसे रखेंगे आप, और इसका क्यूब करेंगे, पी कितना है आप लेंगे 12,000, ठीक है जी, और टाइम इसका टी की पावर 4। अगर इसका आप टाइम निकालेंगे तो आपका आएगा टाइम, जो भी समय आता है, ये एक समय एक काम हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं 8, इसको 8 कर दूं, तो टाइम कितना आएगा, मैंने इसको कैलकुलेट किया है, इसका टाइम जो है वो आपका आएगा 1.3 इयर्स, यानी 15.6 मंथ, इसको आप करके देख सकते हैं, टाइम आपका 1.3 ईयर आएगा।
8 लोग लगा दें, लेकिन अगर मैं इसकी टाइम बढ़ाता हूं 1.75 ईयर्स कर देता हूं, तो जैसे मैं जब टाइम बढ़ाऊंगा तो मुझे ये थोड़ा पी चेंज करना पड़ेगा। पी हमने 12,000 दिया है, पी को हम कर देंगे 10,000। तो अब देखिएगा इसी इक्वेशन को लगाया जाएगा, यानी हम क्या करेंगे इसमें, हम निकालना चाहते हैं एफर्ट। एफर्ट कितना आएगा, लाइन ऑफ कोड कितने हैं, 33,000, इसका कर दीजिए क्यूब। पी कितना मैंने बताया आपको, 10,000, इसका क्यूब। टाइम कितना मैं बोल रहा हूं, 1.75 इसकी पावर ऑफ 4। जब आप इसका एफर्ट निकालेंगे तो आपका आएगा 3.8% ईयर्स। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने 6 महीने टाइम बढ़ाया, आपने 8 आदमी जो यूज किए थे, अब आपको केवल 4 की जरूरत पड़ी। ये 4 है, 4 आदमी की जरूरत पड़ गई, मतलब केवल 4 आदमी से आप काम ले सकते हैं। ये इक्वेशन की वैलिडिटी है, ये आपको बताता है।